Jaibhan Singh Pavaiya, in fact, is joining us right now. Essentially, we are looking at the consecration ceremony in the run-up to it. Just a few hours left, sir. कुछ ही घंटे अब बचे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है. किस तरह से आप तैयारियों को देख रहे हैं? कई सारी जो बातें हुई हैं इसके ऊपर, कई सारी राजनीति हुई है इसको, और कई साल बीते हैं और आप तो काफी उसमें रहे हैं. यू हैव बिन इन्वॉल्व इन दैट. तो आप किस तरह से देखते हैं प्राण प्रतिष्ठा को? देखिये, मैं तो पल पल का साक्षी रहा. 84 में जब हमने सौगंध ली, तब से लेकर 6 दिसंबर 92 तक हम CBI के मुलजिम भी रहे. आडवाणी जी और कल्याण सिंह जी के साथ 14 दिन तक मैंने जेल भी भोगी है. लेकिन आज बस ये मन में बार बार बात आती है कि जमाना होता था जब हम प्राण हथेली पर लेकर आते थे, सरकारें हथकड़ियां लेकर खड़ी होती थी, पर आज तो सरकारें फूल बरसाने के लिए राम भक्तों पर खड़ी हैं. ये बदली हुई अयोध्या है, और इसलिए कल की घड़ियों का पूरा देश धड़कन थाम कर इंतजार कर रहा है. हम राम जी की कृपा से अयोध्या में हैं, पर देश का कोना कोना आज अयोध्या बन रहा है. अब जो बातें कही जा रही हैं देश में, देखिए, जब पूरा भारत कल दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है, अमेरिका में दीप जलने वाले हैं, विदेशों की धरती पर भी, तो इस उत्साह में, इस उल्लास में शामिल होना चाहिए था सभी को. ये कसैली बातें देश के लिए अच्छा संदेश नहीं देती हैं दुनिया में. पर मैं इतना ही कहता हूं कि मेरे राम लला जी के सुंदर छवि को नजर न लग जाए, इसलिए कोई कालिक के टीके भी जरूरी होते हैं, और इसलिए ऐसे लोग भी भारत में बने रहे राम भक्तों को जगाने के लिए. लेकिन ये ठीक नहीं है कि पूरा भारत दिवाली मनाएगा और कुछ लोग कोप भवन में बैठेंगे. इतिहास शायद इनको क्षमा नहीं कर पाएगा. जिन लोगों ने न्योता ठुकराया है, जिन लोगों ने कई सारी बातें कही हैं, किसी ने तो ऐसा भी कहा है कि जो कर्तव्यों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी वो संविधान को बचाने के लिए चलाई गई थी और वो जस्टिफाइड थी, उनको आप क्या कहेंगे? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, उदित राज कह रहे हैं कि 22 के बाद में दलितों का कलयुग आने वाला है. ऐसी सारी बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है मंदिर को लेकर, और कुछ लोग तो इसको राजनीति की तरह जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बीजेपी का इवेंट है. इन सारे स्टेटमेंट्स पे अगर देखिए, आप इस पर गौर कीजिए कि निमंत्रण ठुकराने वाले लोग कौन हैं. ये वही लोग हैं ना जिन्होंने राम रथ यात्रा के पहिए समस्तीपुर में रोके थे. ये अभी नहीं आने की बात कहकर 22 के बाद आएंगे. वही लोग हैं ना जिन्होंने निहत्ते कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी. ये वही लोग हैं निमंत्रण ठुकराने वाले जो राम जी के अस्तित्व को नकारने हलफनामे दाखिल करते थे. हमें आश्चर्य तब होना चाहिए था जब कोई राम भक्त इस तरह की बात करता. इन्होंने कब चाहा कि राम जी का मंदिर बन जाए, और इसलिए आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है राम जी का मंदिर. इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए. ये तुष्टीकरण की भट्टी पर वोटों की रोटी सेकने वाले लोग हैं. इनके मुख से और कुछ सुना भी नहीं जा सकता है. देश जानता है इनको, इनके चरित्र को. 1990 की सारी घटनाएं मेरे आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम रही है. मैं 21 अक्टूबर 1990 में आसनसोल से निकला था और बनारस से 350 किलोमीटर पैदल चलते हुए मैं अयोध्या पहुंचा था, जंगलों से होते हुए, क्योंकि मुलायम सिंह उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि मैं अयोध्या में किसी भी परिंदा को भी पर भी मैं मारने दूंगा. हम सबों ने वहाँ पर चैलेंज एक्सेप्ट किया था और मैं पैदल चलते हुए यहाँ अयोध्या में पहुँचा था. कार सेवा की थी हमने, क्योंकि एक साधु जो थे वो एक बेरिक बस पे उन्होंने स्टार्ट कर लिया था और उस बस के छत पे मैं चढ़ गया था और बैरिकेड तोड़ते हुए वो बस जो है वो एकदम जन्मभूमि तक पहुंच गई थी. वहां से कूदकर हम लोग नीचे उतरे थे. उतरने के आपके साथ में जो आप कोठारी ब्रदर्स भी थे, उनके साथ भी जो कुछ हुआ उसके ऊपर अब हम जो राजनीति देखते हैं, राजनीति अभी भी बरकरार है. किस तरह से जो ऑपोजिशन पार्टीज के जो बयानबाजी आती है, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है जो कर्तव्यों के ऊपर जो गोलियां चलाई थी वो जस्टिफाइड था, वो संविधान को बचाने के. मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करूँगा कि ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि दें जो ऐसा बोलते हैं. किसी भी तरह से वो आज सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया, उसके बाद ही हम लोगों ने राम मंदिर बनाई. बहुसंख्यक समाज, हिंदुस्तान का बहुसंख्यक समाज यदि
आप सोच लीजिए कि वो एक अदालती ये के बाद हम लोग राम मंदिर बना रहे हैं, यदि यही यदि अल्पसंख्यक समाज जो आज कथाकथित है वो यदि बहुसंख्यक होता तो क्या वो इस तरह का ये करते। Reporting from outside Hanuman Gadi right now, and you can see this truck that has just entered. Chants of Jai Shri Ram audio with bhajans, and this is carrying the banner of Pushkar Singh Dhami, and of course Ma Ganga Maiya. I believe these are priests coming from. Of course, we try and speak Jai Shri Ram chants, and this Ganga Jal that is being sprinkled here, Ganga Jal being sprinkled. This has come from Uttarakhand. And right now we can see some of it has gone into my eyes right now as I speak. You can see Jai Shri Ram naras and VIP movement. Uttarakhand police, of course, we expect VIP from Uttarakhand, and people, supporters have also come here, and a lot of flags with Lord Hanuman, the famous Hanuman image, and Rudra Hanuman image on those flags right now visible, and it's a cavalcade that is arriving. There is continuous VIP movement from Hanuman Gadi as we speak right now, viewers. This Jal, this Ganga Jal has just come from Uttarakhand, and we expect leaders also to come here from various parts of the country. Chief Minister Yogi Adityanath will be here anytime soon right now. And Ram Bhaks, you can see, they have all arrived, you know. Uttarakhand is Dev Bhumi. We do know that it's known as Dev Bhumi. And there is the Char Dham there in Uttarakhand. Also, you have many pilgrimage sites in Uttarakhand. And right now, Anand Pitheshwar is what we are understanding. Swami Balkanand Giriji Maharaj, of course, you can see many of them. I can request my camera person to please follow me. Please come to where I am and show around. At least just show around where I am, and we can see a lot of other VIP movement and many security personnel. And Chief Minister Yogi Adityanath is all set to arrive anytime soon. This place will be sanitized, and a lot of dancing is going on. You can see Kinnar Akhada also. Members of Kinnar Akhada, please turn back. I request my camera person to show more visuals coming in. Kinnar Kalyan board members also coming in, and many other people from Uttar Pradesh, various districts of Uttar Pradesh. And the band performance has also started here. You can see bhajans being played right now on your screens. Bhajans being played once again. The band performance has resumed. Mere Ghar Ram Aaye Hain, viewers, Mere Ghar Ram Aaye Hain is the most viral song ahead of the Ram Mandir inauguration being played on this occasion. And all this for welcome of all the dignitaries, all the VIPs. Chief Minister was all set to arrive anytime soon here at Hanuman Gadi. It's one of the most holiest sites in Ayodhya, the temple town of Ayodhya, which is going to have which is in fact already having a complete revamp, and the tourist footfall is going to go into hundreds, is going to multiply into hundreds. And right now you can see the beautiful dhun of Mere Ghar Ram Aaye Hain, or you can see the tunes being played, and many tourists, many locals have also gathered up here. And continuously we are seeing that the crowd is only going bigger and bigger. The crowd here is growing bigger and bigger. Republic TV getting you latest inputs from the vantage point. And right now, band performance is underway, and also a lot of traffic movement also behind me. But we are continuously showing you the band performance as I speak. I continue to update you about the movements as well, because the police is also trying to handle the crowd, which is very passionate right now about Lord Ram, and completely enthusiastic. Less than 24 hours to go. The atmosphere is, of course, extremely electrifying, and it's of course a sight to watch. And it's a sunny afternoon here at in Ayodhya. Beautiful visuals coming in right now.
All right, a delegation of Rambhakta from the United States have arrived in Ayodhya for Ayodhya Pran Pratishtha, and delegation has been actively engaged in rhythmic recitation of Pran Pratishtha slokas also. So do take a look at this report, viewers.